नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्यन् श्रृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृहन् उन्मीषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। हरे कृष्ण। तो आज हम इस भगवद्गीता के पांचवें अध्याय के आठवें और नौवें श्लोक पर हैं। पिछले श्लोक में तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि योग युक्तो विशुद्ध आत्मा, कि जो सदैव सेवा में नियुक्त रहता है वो विशुद्ध आत्मा है। क्यों? जैसे कि हमने कल डिस्कस किया, क्योंकि वो गुणातीत है और उसको हायर टेस्ट की प्राप्ति हो चुकी है, और इसलिए वो जितेंद्रिय विजित आत्मा जितेंद्रिय, इसलिए वो अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त कर चुका और इसलिए उसने अपने इंद्रियों को भी जीत लिया है। और सर्वभूत आत्मा भूतात्मा, इसलिए वो सभी जीवों पर दया करता है अर्थात प्रचार करता है। कुर्वन्नपि न लिप्यते, और इस कारण से वो इस संसार में करते हुए भी सब कुछ कर रहा है लेकिन तब भी बनता नहीं है, कर्म बंधन नहीं। और आज वाले श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। कहने का अर्थ ये है कि अर्जुन वो क्यों नहीं बन रहा, वो सब कुछ कर रहा है। नैव नहीं, एव अर्थात एव का मतलब है निश्चित ही, किंचित करोमि इति कुछ भी, किंचित का अर्थ है कुछ भी, करोमि करता हूँ, इति इस प्रकार, युक्तो उसकी चेतना होती है। जो योग में सदैव युक्त रहता है, जो मुक्त आत्मा है, लिबरेटेड सोल है, वो हमेशा सोचता है कि मैं सब कुछ करते हुए भी नहीं कुछ कर रहा हूँ। मन्येत, वो ऐसा सोचता है क्योंकि युक्तो है वो, युक्तो अर्थात उसकी चेतना, उसकी कॉन्शियसनेस ही ऐसी बन चुकी भगवान की भक्ति करते कंटिन्यूस करते रहने के कारण, और इसलिए मन्येत वो ऐसा सोचता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तत्ववित, उसने तत्ववित अर्थात सत्य का दर्शन किया है, उसको हायर टेस्ट मिल चुका है, उसको पता है कि संसार के बियॉन्ड स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, उसको 100% विश्वास है। वो केवल दूसरों को बोल रहा नहीं है या खुद केवल पढ़ नहीं रहा, उसको पता है कि इस मटेरियल वर्ल्ड के बियॉन्ड स्पिरिचुअल वर्ल्ड है और वहाँ गोलोक वृंदावन है जहाँ भगवान कृष्ण रहते हैं। और इसलिए वो पश्यन, वो देखते हुए, श्रृण्वन सुनते हुए, स्पृशन छूते हुए, और फिर जिघ्रन सूंघते हुए, अश्नन खाते हुए, गच्छन जाते हुए, स्वपन सपने में सपना लेते हुए, और श्वसन अर्थात सांस लेते हुए भी, प्रलपन बात करते हुए, विसृजन मल त्यागते समय, ग्रहण खाते समय, और उन्मीषन निमिषन अपि, और आँखें खोलते और बंद करते हुए भी ऐसा व्यक्ति, इंद्रियानी इंद्रियार्थेशु अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों में लगा कर रखा हुआ है, वर्तन्त इति धारयन्, तब भी वो यही सोचता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा, और उसको पता है कि सारी भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में लगी हुई हैं, मैं तो इससे लगूं। ये श्लोक का अर्थ है। तो पॉइंट ये है, वो ऐसा सोच ही कैसे पा रहा है कि मैं सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं कर रहा, और वो सचमुच उसके साथ ऐसा हो ही क्यों रहा है, कैसे हो रहा है, इसके पीछे साइंस क्या है, क्यों ऐसा वो सोच पा रहा है? तो उसके तीन रीज़न है। पहला, क्योंकि वो सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं कुछ कर रहा, अपनी निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए वो कुछ नहीं कर रहा, ना खा रहा है, ना सो रहा है, ना पी रहा है, ना जो भी ये चीज़ें यहाँ लिखी हैं, पश्यन स्पृशन जिघ्रन, ये सब कुछ वो अपने सेंसेस को ग्रेटिफाई करने के लिए नहीं कर रहा, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है। इसलिए इसका श्लोक क्या है, सीसी में आता है, आदि लीला के चौथे अध्याय के 165 श्लोक में, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे वली काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। वो अपनी इंद्रियों को, अपनी आत्म इंद्रियों को, अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए वो कुछ कर्म नहीं करता, वो तो काम वासना है, वो तो भोगी लोग करते हैं। कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, क्योंकि उसको भगवान से प्रेम है, इसलिए भगवान कृष्ण की इंद्रियों की प्रीति के लिए कर्म करता है। वो जो कुछ भी करेगा भगवान की प्रसन्नता के लिए करेगा, वो टॉयलेट भी करेगा वो भी भगवान की प्रसन्नता के लिए, वो ब्रश भी करेगा वो भी भगवान की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि उसको पता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें भक्ति के अनुकूल है, भगवान की सेवा करने में ये सहायता करती हैं। ब्रश करना, कपड़े धोना, नहाना, सोना, खाना, ये सब अनुकूल है, अपने में भक्ति नहीं है लेकिन ये क्योंकि भगवान की सेवा में हेल्प कर रही है इसलिए वो उन क्रियाओं को करता है। और क्योंकि अपने लिए नहीं कर रहा, वो नहा धो के फ्रेश होकर वो डिस्को में डांस करने नहीं जा रहा,
या लॉस वेगास में घूमने नहीं जा रहा, वो कर रहा है भगवान की भगवान की भक्ति करने के लिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए थोड़ा बहुत कमा रहा है, कमा रहा है, और इसलिए उसको कोई कुछ करते हुए भी नहीं कर रहा, वो केवल भगवान ही उसके जीवन के सेंटर में। और दूसरा पॉइंट कि वो सब कुछ भगवान के ऑर्डर्स पे कर रहा है, जैसे पिछले श्लोक में भी था कि कुर्वन अपि न लिप्यते, वो करते हुए कुछ नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि जैसे पिछले श्लोक में हमने डिस्कस किया था कि अर्जुन भगवान के ऑर्डर्स पे कर रहा है, इसलिए अर्जुन बंधेगा नहीं। जिस तरह से एक फौजी अपने ब्रिगेडियर के ऑर्डर पे गोली चलाता है, इसलिए उसको कोई अरेस्ट नहीं करता, कोई पुलिस वाला उसको थोड़ा कोई हम अरेस्ट कर देंगे, उसको तो उल्टा मेडल मिलता है। उसी तरह से जो भगवान के ऑर्डर्स पे चलता है, जो स्क्रिप्चर्स के ऑर्डर पे चल रहा है, गुरु की गाइडेंस में चल रहा है और ये सारे कर्म कर रहा है, वो फंसेगा नहीं जीवन में। कर्म करते हुए भी वो कर्म नहीं कर रहा, क्योंकि कर्म करना तो उसको कहलाता है जिसका फल आए, कर्म बंधन हो, जिससे जिससे कर्म बंधन ही ना हो, वो कर्म कर्म नहीं है, वो तो भक्ति है। और तीसरा पॉइंट ये, क्यों? क्योंकि उसको ये भी पता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि उसको पता है कि सब कुछ परमात्मा ही कर रहे हैं। ये भी एक दृष्टिकोण है, मध्वाचार्य ऐसा लिख रहे हैं अपनी टीका में कि सब कुछ परमात्मा कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा को कुछ करने की शक्ति नहीं है आत्मा के पास, अपने पास, इसीलिए आत्मा के साथ सदैव परमात्मा रहते हैं। भगवद्गीता के 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में ही भगवान कह रहे हैं, 61st वर्स में, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मेण सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया। भगवान कह रहे हैं कि मैं सभी जीवों के हृदय में स्थित हूँ और ब्राह्मेण सर्वभूतानि, और मैं सबको घुमा रहा हूँ। ये जो गाड़ी है, जो मशीन है, ब्राह्मेण सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया, जो यंत्र है, इस मशीन में बैठकर वो बैठी हुई है आत्मा और मैं उसका ड्राइवर हूँ। भगवान हमारे सारथी बने हुए हैं, जैसे पार्थ सारथी बने थे, भगवान कृष्ण ने अर्जुन का इसमें रथ चलाया था, तो भगवान कृष्ण हम सबको भी चला रहे हैं, अंदर बैठ के भगवान ही ड्राइव कर रहे हैं हमारी गाड़ी को, ये शरीर भगवान ही चला रहे हैं। हम तो केवल इच्छा मात्र करते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, मैं हाथ हिलाना चाहता हूँ, मैं इच्छा कर रहा हूँ केवल, हिला भगवान ही रहे हैं, परमात्मा हिला रहे हैं, अंदर वो बैठे हैं, वो ही कर्ता धर्ता है मुख्य। हम तो केवल इच्छा करते हैं, हमारी इच्छा को पूरा करते हैं बस भगवान। ये मध्वाचार्य का इस तरह से दृष्टिकोण है कि हम सचमुच में कुछ नहीं कर रहे, सचमुच में भगवान ही कर रहे हैं, परमात्मा के रूप में अंदर बैठ के, वो ही उनकी शक्ति से सब कुछ चल रहा है, इसीलिए परमात्मा सदैव आत्मा के साथ रहते हैं, चाहे वो कुत्ता बन जाए, बिल्ली बन जाए, चूहा बन जाए, कुछ भी बन जाए, परमात्मा रहेंगे रहेंगे, क्योंकि वो चूहे का शरीर ही नहीं चलेगा, चूहे में भागने की शक्ति परमात्मा से आ रही है। आत्मा तो केवल रहती है क्योंकि वो इच्छा करती है भोग करने की, इसलिए उसको 84 लाख योनियों में डाला जाता है। तो इस तरह से हम समझेंगे। और फिर जो भगवान कह रहे हैं कि बोलते त्यागते ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी यह जानता है डिवोटी कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सबसे पृथक है, अलग है। वह ऐसा क्यों सोच पा रहा है? क्योंकि वो समाधि में चला गया। जस्ट लाइक चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु के बारे में श्लोक आता है सीसी के अंत लीला के 15वें अध्याय के छठा श्लोक, कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं कि स्नान दर्शन भोजन देह स्वभावे होए, कुमारेर चाक जेन सतत फिराए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं कि जिस तरह से जो कुमार होता है, जो पोटर होता है, पोटर जब घड़ा बनाता है तो वो बस ऐसे एक बार घड़ा बना के छोड़ देता है और वो बस देखता रहता है, फिर वो घड़ा अपने आप घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, बस उसको एक बार शेप देके छोड़ देता है और फिर अपने आप बनता रहता है। उसी तरह से जो प्योर डिवोटी होता है, चैतन्य महाप्रभु का यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी की, जो प्योर डिवोटी होता है चैतन्य महाप्रभु जैसे, वो अपने जीवन की उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, मतलब महाप्रभु के बारे में कह रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि वो स्नान करते वक्त, दर्शन करते वक्त, भोजन करते वक्त, ये सब उनकी अपने आप ही एक्टिविटीज़ चल रही हैं, उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा, वो तो समाधि में है, ट्रांस में है। जिस तरह से एक पोटर अपने आप ही बस छोड़ देता है और अपने आप घड़ा बनता रहता है, उसी तरह से अपने आप उनका जीवन चलता रहता है शुद्ध भक्तों का, जब वो समाधि में चले जाते हैं और उनको पता नहीं लगता है क्या हो रहा है। कृष्ण कॉन्शियसनेस अपने आप में एक समाधि ही है, इसलिए श्री प्रभुपाद की जो लाइन फेमस है कि वर्क नाउ समाधि लेटर, वो व्यंग्यात्मक रूप से वो लाइन प्रभुपाद ने स्टेटमेंट दी थी एक अपने डिसाइपल को कि अभी सेवा करो, वर्क नाउ समाधि लेटर, समाधि बाद में लगाना।
बट श्री प्रभुपाद कहना चाह रहे थे कि वर्क इज इट्सेल्फ समाधि, जो सेवा है वो ही समाधि है, सेवा के थ्रू ही समाधि भी लगेगी और सेवा अपने आप में भी समाधि है, साध्य और साधन एक ही है। तो इस तरह से हम इस श्लोक को समझेंगे। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की।